अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कहर जारी है। अब तक जिले भर में 3000 से अधिक सूकरों की मौत हो चुकी है। लगातार सूकरों की हो रही मौतों ने पशु चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। रीवा नगर निगम के 45 वार्डों में अब तक कुल 2400 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जबकि जिले भर की अगर बात करें तो आंकड़ा 3000 के पार जा चुका है। पशु चिकित्सा विभाग का कहना है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर सूकर से सूकर में ही फैलता है। इस वायरस का खतरा मनुष्यों में नहीं हो सकता है। हालांकि पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा क्रय विक्रय करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पशु चिकित्सा विभाग ने धारा 144 के तहत ये रोक लगाई है। विभाग का कहना है कि जब तक केसेस कम नहीं होते हैं तब तक क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। सामान्य स्थिति होने पर लगी हुई ये रोक हटा दी जाएगी। अगर इस दौरान कोई क्रय विक्रय करते पाया जाता है या सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले को लेकर पशु चिकित्सा विभाग में उप संचालक राजेश मिश्रा ने बताया कि 11 अगस्त से 30 अगस्त तक अब तक रीवा नगर निगम के 45 वार्डों में कुल 2400 सूकर की मौत हुई है। बाकी जहां सूचना प्राप्त होते टीम तुरंत वहां जाकर सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजा जाता है। रिपोर्ट आने के बाद उस जगह को लॉक कर दिया जाता है ताकि वहां दूसरे जानवर ना पहुंच पाए। ये जैसा कि आपको विदित ही है, लगभग 11 तारीख से इसका उद्भेद शुरू हुआ था, जहां की हमारी जानकारी में जब आया, और 11 तारीख से लेके आज 30 तारीख के बीच में लगभग 2400 सूकरों की मृत्यु हो चुकी है विभिन्न वार्डों में। ये सिर्फ नगर निगम क्षेत्र की बात हो रही है, जो अपने 45 वार्ड हैं। जैसा कि आपको बताया ही गया था कि ये बीमारी सूकर से सूकर में ही फैलेगी। इंसानों को इस बीमारी से कोई खतरा नहीं है और इंसानों के अतिरिक्त किसी अन्य नस्ल के पशुओं को भी इससे कोई खतरा नहीं है। रही बात जो शुरू की थी हमने वार्ड नंबर 15 में एपिक सेंटर घोषित किया था, क्योंकि उसके सैंपल गए थे सबसे पहले भोपाल और जहां से पुष्टि हुई थी, और भारत शासन की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप कार्रवाई की गई। अब वर्तमान में हमारा सैंपल आज जा रहा है भोपाल, और इसमें करीब 9 वार्डों के अलग अलग सैंपल लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त बैकुंठपुर और गोविंदगढ़ के मड़वा, यहाँ भी मृत्यु की सूचना मिली थी, तो उनके भी सैंपल भोपाल जा रहे हैं। और जहाँ तक है 2 या 3 तारीख तक इसकी पुष्टि अगर आ जाती है, तो जिस प्रकार से हमने वार्ड नंबर 15 में कार्रवाई की उसी ढंग से अन्य वार्डों में भी उसको कलिंग की कार्रवाई की जाएगी। क्या पुष्टि हुई है स्वाइन फीवर की? नहीं, फ्लू नहीं है ये, इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और ना ही इसका पब्लिक को कंफ्यूज करने की आवश्यकता है, क्योंकि फ्लू इंसानों में भी हो सकता है, तो इसलिए ये स्वाइन फीवर है। स्वाइन फीवर सिर्फ स्वाइन में ही होगा, इंसानों में नहीं होगा।